अदा करना बाकी रह जाता है। तौबा करने से नमाज माफ नहीं हो जाती है बल्कि नमाज पढ़ने में जो ताखिर हो गई वो गुना माफ होता है। वैसे ही माह रमजान मुबारक के रोजे हैं, वैसे ही जकात अगर किसी ने अदा नहीं किए तो उसको उसकी कजा देनी पड़ेगी, जितने साल उन्हें नहीं दिया है मरने से पहले पहले वो अदा करना ही करना है, और मौत का कोई भरोसा नहीं कब इंसान का वक्त खत्म हो जाता है। और ऐसे ही फिर हज है वो तो जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, और जो भी जिंदगी के अंदर नमाजें रोजे या जक़ात छूट गई है उसका सही तौर पर हिसाब लगाकर उसे अदा कर लेने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। माह रजबुल मुरज्जब है और इसकी 6 तारीख को सैयदी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला का उर्स शरीफ होता है। ये 810वां गालिबन उर्स शरीफ है जिसके अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान से के कोने कोने से अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। ये हिंदुस्तान का एक विलायत का मरकज है, ये ऐसा मकाम है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जिन मकामात पर बंदों की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, जिन मकामात पर अल्लाह तबारक तआला बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता कबूल फरमाता है, उन जगहों में से अजमेर मुअल्ला भी एक है जहां की दुआएं अल्लाह तबारक तआला रद्द नहीं फरमाता। ये अजमेर है, ये वो धरती है जहां पर पहुंचने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था गरीब नवाज को। हजरत ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हुक्म फरमाया कि वो सफर करें और हिंद पर जाएं। जब वो हिंद के लिए आ रहे थे तो 40 दरवेशों को लेकर एक काफिला था जो नेक लोगों का था, उनके पास हाथ में वजू के लोटे थे और कुरान मजीद था, और वो चल पड़े अफगानिस्तान के इलाके से होता हुआ आज के इस दौर का जो लाहौर का इलाका पाकिस्तान का कहलाता उस रास्ते से होते हुए दिल्ली आए और वहां से होते हुए फिर अजमेर शरीफ पहुंचे। इन रास्ते के अंदर जगह जगह पर नमाजें पढ़ते गए, जिक्र अस्कार करते गए और अपने अच्छे अखलाक के जरिए दावत और तबलीग का काम करते रहे, खुद को पेश करते रहे। क्या चीज को पेश किया था गरीब नवाज ने? ना वो हथियार लेकर आए थे, ना वो लाठी लेकर आए थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी। उनके पास अखलाक हसना था, उनके पास सुन्नत नबवी थी, उनके हाथ में कुरान मजीद था। वो बाअमल मुसलमान बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुए, वो हुक्म रसूल पाक पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुए, और जब दिल्ली से होते हुए खांडे राव को मुसलमान किया दिल्ली के गवर्नर को, फिर आगे बढ़े और आगे बढ़कर अजमेर गए, और अजमेर जाने के बाद पृथ्वीराज के साथ उनके वहां पर मामला उसने खराब किए, उसके बावजूद भी आपने नरमी का मुजाहरा किया। आपको इतना ज्यादा सताया गया, उस दौर के अंदर कुफ्र बहुत ज्यादा था, उस दौर के अंदर मुसलमान थे ही नहीं, हर तरफ में कुफ्र ही कुफ्र था। और उन हालात के अंदर जब पानी के लिए जाते तो अना सागर जो बहुत बड़ा सागर है, पानी का तालाब है, वहां से पानी तक लेने नहीं दिया कि नहीं मुसलमान इसमें हाथ भी ना डालें, पानी भी ना पिए। इस तरह मुसलमानों को पानी पीने से रोका गया, वजू के लिए रोका गया। तो आपने अपने एक खादिम से फरमाया कि जाओ कासे में पानी भर कर ला लो। कासे में जैसे उसने पानी में भर लिया तो सारे का सारा अना सागर का जितना पानी था वो सबका सब खुश्क हो गया, वो सारा का सारा एक कासे में जमा कर दिया। ये जो चीजें जो समझ में नहीं आती है, इंसान के फहम में नहीं आती है कि ये कैसे हो सकता है, यही करामत होती है। औलिया इकराम से सादिर होने वाली इन चीजों को करामत कहते हैं कि बंदा समझ ना सके कि इतना बड़ा समंदर का जैसा पानी भरा हुआ है, तालाब है, वो सब एक कासे में कैसा आ गया। तो ये औलिया इकराम होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों पर कुदरत दे देता है, वो इन चीजों को कर गुजरते हैं, वो दिखाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला निशानियां दिखाता है, अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मुजजा अता फरमाया, तो कई मुजजे अलग अलग हुए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को मुजजा यह दिया था कि वो अल्लाह अल्लाह से कलाम करते, कि उन अल्लाह से कलाम करे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते अल्लाह ने उन्हें वो शर्फ बख्शा था, उन्हें वो इज्जत बख्शी थी। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को एक असा अता फरमाया, ऐसा असा कि वो चलते तो अंधेरे में 40 आदमी आगे और 40 आदमी पीछे चल पड़े, ऐसी टॉर्च की तरह रोशनी उसमें से निकलती थी। ये एक असा था मूसा अलैहिस्सलाम का, उसके अंदर एक ये भी रोशनी निकल कर आती थी। और फिर एक दफा जब काफिरों ने मुशरिकीन ने जगह जगह जादूगरों को जमा कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुनाज़रा हुआ कि तुम भी अपना दाव चलो, हम भी अपना दाव चलते हैं, तो हज़रत
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو بتاؤ ڈالو، پھر میں اپنے رب کی طرف سے اپنی چیز پیش کروں گا. انہوں نے کچھ لکڑیاں تھے، کاڑیاں تھے، چھڑیاں تھیں اور کچھ رسیاں تھیں، ان رسیوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ان جادوگروں نے پھینکا اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تک. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب وہ آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس سمت میں پھینکا. آپ کے پاس جو لکڑی کا عصا تھا، وہ عصا آپ نے زمین پر ڈال دیا اللہ کے حکم سے، تو وہ عصا بہت بڑا اژدھا بن گیا. بہت بڑا اژدھا بن کر منہ کھولا اور اس نے سارے سانپوں کو ایک ہی لمحے میں نگل گیا، نگل گیا، سب سانپوں کو ختم کر دیا. جادوگر وہ دیکھ کر حیران ہوئے اور وہ سجدے میں گر پڑے، وہ سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پہ، ہم ایمان لائے ہارون کے رب پر. تو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی اور اس نشانی کے ذریعے ان مشرکین کو داخل اسلام کیا تھا، ان مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی طرف رہنمائی فرما دی، مدد کر دی. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو جہاں پر انبیاء کو معجزے عطا فرماتا ہے، ویسے ہی اولیاء اکرام کو کرامات عطا فرماتا ہے. وہ اپنے اپنے کرامات کے ذریعے حیران کن کام کرتے ہیں. ایک بار غریب نواز کے پاس لنگر کے اندر اناج ختم ہو گیا، وہاں روزانہ لنگر چلتا تھا. غریب نواز اسی لیے غریب نواز کہلائے کہ وہ غریبوں کو کھانے سے، کپڑے سے، ضروریات زندگی کی چیزوں سے نواز دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا گیا. 6 سال کی عمر تھی جب آپ اپنے وطن کے اندر تھے، تو وہاں پر اس وقت میں آپ بالکل کم سن ہیں، عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا، یتیم بچہ تھا، رو رہا تھا. اس کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ بھی نہیں ہے کہ مجھے نئے کپڑے سلائے، مجھے کوئی کھلائے، میں سب مسلمان خوش ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو غریب نواز اس کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر لائے اور اپنی عمر کا بچہ تھا، اپنا قیمتی لباس اسے پہنایا، اسے کھانا کھلایا اور پھر اپنا ساتھ اسے لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے. تو یہ ہے غریب نواز، وہ شروع ہی سے لوگوں کو نوازنے والے، بچپن ہی سے ان کا یہ عمل رہا ہے. میری ایک کتاب ہے جو میں نے غریب نواز پر لکھی ہے اور اس کا نام ہے سلطان الہند سرکار غریب نواز. اس میں میں نے ان کے تمام کرامات کو، واقعات کو میں نے اس میں، اس کتاب میں جمع کیا ہے. تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ شروع ہی سے آپ کا انداز لوگوں کو نوازنے والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا رہا. اور جب وہاں پر آپ جب اجمیر معلا کے اندر ہے، لنگر کے وقت کھانے کی کمی ہو گئی اور اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو باورچی آیا. آپ عصر کی نماز پڑھ کر مصلے پر بیٹھے ہوئے اذکار میں مشغول تھے، آ کر کہنے لگا کہ ابھی لنگر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے اناج. تو آپ نے اسی وقت میں جہاں پر بیٹھے تھے وہیں سے جانماز کو پلٹایا اور پلٹانے کے بعد ہاتھ سے اٹھایا تو اللہ کی طرف کی عنایت دیکھیے کہ ان کے ہاتھوں سے میں اشرفیاں تھی اور وہ اشرفیاں دے کر فرما کہ جاؤ سامان خرید کر لاؤ اور لنگر چلاتے رہو. یہ تھے غریب نواز. تو کیسے کیسے ان کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، جہاں سے جو چیز نکالنا چاہے لے لیتے ہیں. تو یہ بندوں کو عطا کرتے ہیں. تو انہوں نے لاکھا لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ کھانا کھلا دینا، یہ جو ظاہر کی چیزیں دکھتے ہیں، کسی کو کپڑا دے دینا، کسی کو سردی کے وقت میں بلینکٹ دے دینا، گرما کے وقت کسی کے لیے فین کا بندوبست کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھتی ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیے ہیں. تو غریب نواز نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے وہ اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے کیا ہے. وہ نبوی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کو پھیلاتے رہے، کوئی تیر تلوار اور ہتھیار کے ذریعے اسلام کو نہیں پھیلایا، بلکہ اسلام ہندوستان کی سرزمین پر جو پھیلا ہے وہ بہت ہی محبتوں والا انداز رہا ہے. ہمارا 800 سال پہلے کا جو ترک تھا، جو ہمارا انداز تھا، وہ انداز کے اندر نرمی ہے، حلیمی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، اچھے اخلاق کو پیش کرنا ہے، نبوی کردار لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. باعمل مسلمان بن کر جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ رنگ لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاق حسنہ عطا فرمائے، قرآنی اخلاق ہمیں عطا فرما دے، نبوی اخلاق نصیب فرمائے. ہم اس کے لیے زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دل سے دنیا کی خواہشات اور محبتوں کو نکالنا ہوگا، اس کی جگہ دوسرے مسلمان کا ادب اور احترام رکھنا ہوگا.
होगा। आप बस में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, रास्ते के अंदर आप देखें कि कोई और लोग चढ़ गए हैं, औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, मर्द है, बच्चे हैं, छोटे ज़ईफ मर्द हजरात है, तो ऐसे लोगों के लिए आप कुर्सी छोड़कर, सीट छोड़कर उन्हें जगह दे देते हैं तो उनके दिल में आप जगह बना लेते हैं। इस दौर के अंदर जिस तरह से काम करने की जरूरत है, आप टोपी पहने हुए, आप इस्लामी लिबास में है तो लोग आपको देखते हैं, लोग आपको महसूस करते हैं, अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी तकारीर, इससे होने वाला कुछ नहीं है, बल्कि असल चीज जिससे होती है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। अगर कोई रिक्शा ढकेलने में मुश्किल हो रही है तो उसका रिक्शा चढ़ाव के वक्त में थोड़ा सा मदद कर दिए, या कोई सामान का बोझ नहीं उठा सक रहा, आप देखें और उठाकर बोझ उसके सामान का उठाकर कुछ देर ले चले, या उसके सर पर रखने में मदद करे, या कोई भी तरह से मदद कर दिए। किसी की गाड़ी खराब हो गई, आप कुछ कर सकते हैं, पेट्रोल दे सकते हैं, फोन पे बात करा सकते हैं, अगरचे कोई खतरे वाली बात नहीं है, सब हालात अच्छे तरीके से चल सकते हैं, उन हालात में मदद करके आप गुजर जाते हैं, तो ये अखलाक का जो असर पड़ेगा, लोग आपकी तरफ आएंगे, आपकी वजह से दावत का काम होगा। आपके अखलाक, आपका अंदाज, आपका किरदार, आप चलते फिरते मुबल्लिग कहलाएंगे, ये दावत का काम होगा। दावत के काम के लिए जाकर, घर घर पर जाकर मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाना सिर्फ यही दावत का काम नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों के अंदर अपने अच्छे अखलाक को पेश करना और उन्हें इस्लाम की तरफ ले आना, यह सबसे बड़ी दावत और तबलीग का काम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की हयात तैयबा में लोगों के साथ हुस्न सुलूक करते हुए हमें यह दिखाया है। तो मक्की हयात तैयबा हमारे लिए रहनुमाई है कि इस मुल्क के अंदर जहां पर मुसलमानों के लिए बहुत ही है। आपने नहीं देखा कि हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं? सियासी तौर पर अगर मुकाबला करने के लिए हैदराबाद से अगर यहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, मेरठ में जा रहे हैं, वहां पर जाकर वो एक सियासी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, जुल्म खत्म होना चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, हर एक को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, हर एक को अपने अपने आबादी के लिहाज से उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, खैरात नहीं हिस्सेदारी होना चाहिए। लोग दरी ना बिछाए मुसलमान कि वहां के लीडरों के लिए, वहां की सियासी पार्टियों के लिए कि बिल्कुल एक भिखारी की तरह, एक वर्कर, मामूली वर्कर की तरह के नीचे काम कर रहे हैं, दरी बिछा दिया और उसके बाद वो आकर मंच पर बैठ गए, फिर बाजू बैठने के लिए मुसलमान को वो लोग गवारा नहीं करते, तो कैसा उनकी तबीयतों के अंदर, मिजाजों के अंदर यह चीज पैदा हो गई है। इन चीजों को जब रोकने की कोशिश की जाती है तो उनके अंदर जिनमें इंटॉलरेंस और ज्यादा है वो हथियार से हमला कर देते हैं। कौन है ये लोग जो हमलावर होते हैं? कौन है जो रास्ते में जब गाड़ी स्लो होती है किसी मकाम पर तो करीब से आकर फायरिंग कर देते हैं, गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो जाती है और उसके निशानात पाए जाते हैं और फिर वो गिरफ्तार होते हैं तो पता चलता है ये आतंकवादी है, ये घोटसेवादी है, जिन्होंने गांधी को कत्ल किया उन्हीं की मिजाज वाले लोग हैं, जिनके अंदर इंटॉलरेंस है, किसी को बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया था 1948 में, वही विचारधारा, वही ख्यालात के लोग हैं जो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक कास्ट सिस्टम जो इनके ज़हनों में बैठा हुआ है कि हम आला कद्र वाले हैं, वो दूसरे अदना जात के हैं, ये जात पात का जो निजाम है, इस्लाम इसकी इजाजत हमें कतई तौर पर नहीं देता। इस्लाम तो कहता है कि जो अव्वल आ गया वो पहली सफ में बैठेगा, इसमें यह नहीं देखा गया कि इसमें शेख कौन है, इसमें सैयद साहब कौन है, ये सबसे आगे बैठे, वो फला साहब पीछे बैठे, ये सब ऐसा कुछ नहीं, जो पहले आया वो वहां पर होगा। हत्ता कि अगर कोई शख्स जो गैर मुस्लिम था, इस्लाम कबूल किया, वो नमाज पढ़ना जानता है तो वो आ गया कि नमाज पढ़ेगा, बाकी सब पीछे पड़ गए कि नहीं, इसके अंदर छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सफों के अंदर सब यकसानियत रखी गई है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सबको बराबर हुकूक देने की जो बात है यह इस्लामी तालीमात है। तो इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए हमें अपने आप को गरीब नवाज के मिशन पर ले जाना होगा। गरीब नवाज की सीरत का मतालिया करें, कैसे वो लोगों के साथ भलाई का सलूक करते थे, कैसा वो नरमी का सलूक करते थे। ये रजबुल मुरजब है, रजब अल्लाह का महीना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का महीना है रजब।